मित्रों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है और होलिका दहन की रात कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। जी हाँ, होली के दिन 5 पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। इनमें से एक पेड़ को तो विष्णु जी का अवतार नरसिंह भगवान ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया था, उसी दिन एक पेड़ को आशीर्वाद भी दिया था कि होली के दिन मध्य रात्रि के समय मैं तुम पर साक्षात निवास करूंगा। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से फाड़ कर मार डाला था, जिसके बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में असुर हिरण्यकश्यप का खून लग गया था। उसके बाद नरसिंह भगवान ने अपने नाखूनों को साफ करने के लिए पास में ही स्थित एक पेड़ के तनों में काट दिया। ऐसा करने से भगवान नरसिंह के नाखून तो साफ हो गए, लेकिन वो पेड़ असुर के खून के कारण दर्द और पीड़ा से जोर जोर से रोने लगा। फिर उस पेड़ ने भगवान नरसिंह से रोते हुए प्रार्थना की, प्रभु मेरा क्या दोष था, आपने तो असुरों के खून से सने अपने नाखून तो साफ कर लिए, लेकिन इस असुर के रक्त के कारण मैं तो अशुद्ध हो गया। साथ ही असुर के रक्त के कारण जो मुझे पीड़ा हो रही है वो भी असहनीय है, इसलिए हे प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस पीड़ा से मुक्त कीजिए। उस पेड़ के प्रार्थना करने पर भगवान नरसिंह ने उसे वरदान देते हुए कहा, हे पेड़, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि हर वर्ष होलिका दहन की रात्रि को मैं तुम पर साक्षात निवास करूंगा। और मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उसके बाद होलिका दहन की मध्य रात्रि को भगवान नरसिंह माता पद्मा यानी विष्णु जी माता लक्ष्मी के साथ इस पेड़ पर निवास करते हैं, और जो कोई भी इस समय इस पेड़ को छू लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये पेड़ हमें वास्तु दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष से भी मुक्ति दिलाता है। परंतु इस पेड़ को होलिका दहन की रात्रि में छूने को नरसिंह पुराण में कुछ नियम भी बताए गए हैं। जी हाँ, जिसके अनुसार आपको इस पेड़ को छूने से पहले अपने घर से एक नारियल और कलावा लेकर इस पेड़ के पास जाना है, फिर कलावे को पेड़ से बांध देना है और नारियल के साथ 101 बार पेड़ की परिक्रमा करनी है। उसके बाद नारियल को कलेवे में लपेट कर उस पेड़ के नीचे रख दीजिए। उसके बाद पेड़ से अपने दुख को दूर करने की प्रार्थना करें। उसके बाद इस पेड़ से एक फल तोड़कर उसे घर आकर लाल कपड़ों में बांध लेना, फिर उस लाल कपड़े को अपने घर के मुख्य द्वार पर लटका देना। ऐसा करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब मित्रों, जिस पेड़ को होलिका दहन की रात्रि में आपको छूना है उसका नाम है गुल्लड़। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि होली के दिन किए गए उपायों का फल बहुत जल्दी मिलता है, साथ ही कई गुना फायदा भी मिलता है। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे उपाय भी छिपे हैं जो आपकी पैसों से संबंधी सारी परेशानियों को दूर करने में मददगार हैं, जिन्हें करने पर आप बहुत कम समय में आर्थिक समृद्धि हासिल कर सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताए गए जिन उपायों की हम बात कर रहे हैं, उनमें से धन प्राप्ति के लिए जो उपाय हैं, वो हैं: होली की रात घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाकर उसकी पूजा करें और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करें। ऐसा बताया गया है मित्रों कि इस उपाय से धन प्राप्ति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। वहीं अगर कोई बेरोजगार है, उसके पास रोजी रोटी का कोई भी साधन नहीं है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए होली की रात 12 बजे से पहले एक नींबू लेकर चौराहे पर जाएं और उसके 4 टुकड़े कर चारों दिशाओं में फेंक दें और बिना पीछे मुड़े सीधे घर आ जाएं। ऐसा माना जाता है कि ये करने से आपकी रोजगार संबंधी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा घर में पैसों के साधनों को बढ़ाना चाहती हैं, तो होलिका दहन वाले दिन शाम के समय अपने घर की उत्तर दिशा में एक शुद्ध घी का अखंड ज्योति दिया जलाएं और ध्यान रखें कि रात भर वो बिना बुझे चलता ही रहे, ताकि इससे घर में रखे धन में वृद्धि होती है। बता दें कि इसके लिए होलिका दहन होने के बाद रात में घर के पूजा स्थल पर बैठकर श्री सूक्त का 11 बार पाठ करने से भी पैसों में वृद्धि होने की संभावना बढ़ती है। इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो आपको इसके लिए एक काम करना होगा। एक काला कपड़ा लें और उसमें काले तिल, 3 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों और किसी जगह की मिट्टी लेकर एक कोटली बना लें और इसे खुद पर से 7 बार वार लें और होलिका दहन में डालें। लेकिन हालात कुछ ऐसे होने चाहिए मित्रों कि जैसे आपको पैसा काफी दिनों से कहीं पर फंसा हुआ है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पा रहा है, तो होली के दिन 11 गोमती चक्र हाथ में लेकर जलती हुई होलिका की
11 बार परिक्रमा करते हुए धन प्राप्ति की पूजा भी करें। फिर एक सफेद कागज पर उस इंसान का नाम लाल चंदन से लिखें जिससे पैसा लेना है। उस सफेद कागज में 11 गोमती चक्र को लपेटकर किसी सन्नाटे वाली जगह गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपका वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा। अगर ये उपाय आपको ठीक ना लगे तो इसकी जगह पर होली की रात जैसे ही चांद निकले तो उसके बाद अपने घर की छत पर या किसी खुली जगह पर जाकर खड़े हों, फिर जहां से चांद सीधा नजर आता हो चांद को याद करते हुए चांदी की प्लेट में सूखे छुआरे और कुछ मखाने रखकर शुद्ध घी के दिए के साथ धूप अगरबत्ती और दूध से अधर्य दें। ये चढ़ावा चढ़ाने के बाद सफेद मिठाई और केसर से बनी साबूदाने की खीर अर्पित करें। बाद में प्रसाद और मखानों को बच्चों में बांट दें। फिर लगातार आने वाली हर पूर्णिमा की रात चंद्रमा को दूध का अधर्य दें। ये आपके फंसे पैसों को आप तक आसानी से पहुंचाने में जरूर मददगार होगा। वहीं कुछ ही दिनों में आर्थिक परेशानी दूर होकर समृद्धि मिलेगी। अब मित्रों, इन सभी उपायों के अलावा होली का दहन वाले दिन सुबह सुबह 108 मखानों की एक माला बनाकर मंदिर में देवी लक्ष्मी को चढ़ाते और तो और 1.25 किलो चावल की खीर बनाकर कुष्ठाश्रम में देना और होली का दहन के समय एक सूखे गोले में बूरा भरकर उसे जलती हुई होली की आग में रख दें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको पैसों से संबंधी परेशानियों को हल कर सकता है। होलिका की अधूरी प्रेम कहानी जो होली का दहन पर हो गई स्वाहा। मित्रों, होली के शुभ मौके पर राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कहानी सुनने को मिलती है। कहानी में होलिका को एक खलनायिका के रूप में सुना जाता है, लेकिन एक पौराणिक कथा ऐसी भी है जिसमें वो एक मजबूर प्रेमिका होती है जो अपने प्रिय एलोजी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। जी हाँ, इस कथा के बारे में शायद ही कोई जानता होगा। अब जैसा कि सभी को पता है कि होली राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका विवाह एलोजी से होना था और दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। दोनों की शादी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होनी थी, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही होना था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद से काफी परेशान था। राजा ने अपने बेटे को काफी समझाने की कोशिश की और अलग अलग तरीके भी अपनाए, लेकिन उसे हर बार हार ही मिली। इसलिए हार कर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया, क्योंकि होलिका को अब अग्नि से बचने का वरदान मिला था। ये जानकर हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इसके बारे में बताया। योजना के हिसाब से होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाती। लेकिन इस योजना पर होलिका ने मना कर दिया और बार बार अपने भाई के कहने पर भी वो नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने शादी में रुकावट और एलोजी को जान से मारने की धमकी दी। उस दुष्ट ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम एलोजी से शादी कर लेना। अब मजबूर होकर होलिका ने अपने भाई की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर शादी वाले दिन ही यानी पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। वहीं इधर एलोजी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो पूर्णिमा की रात बारात लेकर आ रहा था। होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाती है, लेकिन अचानक से हवा ऐसी तेज चली कि दुशाला प्रहलाद के पास आ गई और होलिका धीरे धीरे जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। मित्रों, इधर बारात लेकर पहुंचे एलोजी ने जब ये देखा तो वो ये बात मान नहीं पाया और वो भी अग्नि कुंड में कूद गया, लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। परेशान एलोजी ने ये देखकर अपना सुध-बुध खो बैठा और सब कुछ छोड़कर वन में चला गया। भगवान कृष्ण और कामदेव का होली से संबंध। मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान शिवजी की पत्नी माता सती ने अपने पति के अपमान से क्रोध होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद सती ने ही अपने दूसरे जन्म में पर्वतराज हिमवान और मैना देवी की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया था। सती की मृत्यु के बाद भगवान शंकर जी संसार के सभी बंधनों को तोड़कर मोह माया को छोड़कर अपनी कठोर तपस्या में लीन हो गए। प्रभु अपनी आंखें खोल ही नहीं रहे थे, जिससे सभी देवता परेशान हो गए। ऐसे में सभी देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव और देवी रति भोलेनाथ की तपस्या भंग करने का कठिन कार्य संभालते हैं। अब देवों के देव महादेव के सामने फाल्गुन मास में कामदेव और देवी रति नृत्य और गान करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कामदेव आम के पेड़ के पीछे छिपकर एक एक करके अपने पुष्प बाण को भोलेनाथ की ओर छोड़ते हैं।
अंत में एक बाण उनके हृदय पर लगता है, जिसके चलते नीलकंठ की तपस्या भंग हो जाती है और क्रोध में भोले बाबा अपनी तीसरी आंख खोल देती हैं। प्रभु के नेत्र से निकलती रोशनी के कारण कामदेव भस्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर भोलेनाथ ने पार्वती की तरफ देखा और माता की पूजा आराधना सफल हुई तथा शिवजी ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार भी कर लिया। अब अपने पति के साथ हुए इस व्यवहार को देखकर देवी रती ने विलाप करना शुरू किया और कहती हैं कि इसमें मेरे पति का कोई दोष नहीं था, मेरे पति को पुनः जीवित करिए प्रभु। तब भगवान शंकर जी को ये ज्ञात होता है कि संसार के हित के लिए देवताओं की बनाई योजना के भीतर ही कामदेव कार्य कर रहे थे। तब उनका क्रोध शांत हुआ। फिर भोलेनाथ उन्हें जीवन दान देते हैं, लेकिन बिना शरीर के। उसे नया नाम दिया जो था मनसिज। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात्रि में लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक अग्नि में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में उजागर हुई। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रसन्न होते हुए जीत का उत्सव मनाने लगे और ये दिन होली का ही दिन था। इसके साथ ही भोलेनाथ ने देवी रति से कहा, कामदेव पुनः द्वापर युग में श्री कृष्ण के पुत्र रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे। वहीं शिवजी के कहे अनुसार श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को प्रद्युम्न नामक पुत्र जन्म लेता है, जो कि कामदेव का ही अवतार थे। महादेव की ये बात सुनकर सभी देवता फूल और रंगों की वर्षा करके हर्षोल्लास मनाते हैं। देवी रति ने पाला था कामदेव को पुत्र की तरह, तो फिर उनसे ही शादी क्यों की? मित्रों, कहा जाता है कि द्वापर युग में प्रभु वासुदेव से जलन के कारण राक्षस शंभ्रासुर नवजात प्रद्युम्न का अपहरण करके ले गया और उसे नदी में फेंक दिया, जिसके बाद उस शिशु को एक मछली ने खा लिया तथा वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद पुनः राक्षस शंभ्रासुर के रसोई घर में पहुंच गई। उस समय देवी रति रसोई घर में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री के रूप धारण करके वहां पहुंच गई, जहां उन्होंने उस मछली को काटा और उसमें से निकले उस शिशु को माता की तरह पाला। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बात स्मरण करवाई और तो और उसे सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने उस राक्षस का वध किया, फिर मायावती को ही अपनी धर्म पत्नी के रूप में द्वारका नगरी ले गए। कामदेव से जुड़ी कुछ रोचक बातें। मित्रों, बता दें कि कई कथाओं के अनुसार कामदेव श्री हरि और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं, जिनका विवाह देवी रति नाम की कन्या से हुआ था, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं कुछ कथाओं में ये भी उल्लेख है कि कामदेव स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और जिनका संबंध भगवान शंकर जी से भी है। वहीं कुछ स्थान पर धर्म की पत्नी श्रद्धा से भी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। इनका वर्णन सुनहरे पंखों से सज्जित एक सुंदर नवयुवक की तरह किया गया है, जिनके हाथ में सुंदर सा धनुष और बाण है। वो तोते के रथ पर मकर के चिन्ह से बना वाला ध्वज लगाकर भ्रमण करते हैं। वहीं कुछ शास्त्रों में उन्हें हाथी पर बैठे हुए भी बताया गया है। उनके साथ जो धनुष रहता है वो गन्ने की मिठास से भरा है, जिसमें मधुमक्खियों के शहद की रस्सी लगी हुई है। उनके बाण अशोक के वृक्ष के सुगंधित फूलों के साथ ही सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के वृक्षों पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर प्रतीत होते हैं। उनके पास पांच तरह के बाण हैं, जिनके नाम मारण, स्तंभन, जृंभन, शोषण, उम्मादन है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही, और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।